आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोगों ने अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर लिया होगा और आप प्ले अराउंड कर रहे होंगे डिफरेंट ऑप्शन से जो विक्स आपको दे रहा है और प्रोडक्ट ऐड कैसे करनी है इमेजेस को और ये तमाम चीज़ें आप अपने तौर पर देख रहे होंगे। लेकिन आप में से कुछ लोग यहाँ मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है हमने ऑनलाइन स्टोर तो सेटअप कर लिया लेकिन मेन पर्पज़ ऑफ द ऑनलाइन स्टोर इज़ कि मुझे एक रोबस्ट किस्म का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मिले, ऑर्डर मुझे कहाँ से पता लगेगा कि मुझे ऑर्डर्स कौन से रिसीव हुए हैं और ये तमाम चीज़ें कहाँ से एक्सेस करनी है और क्या मैं इसको एज ए मार्केटिंग टूल भी यूज़ कर सकता हूँ विक्स के प्लेटफॉर्म को। इस पर्टिकुलर सेशन में ब्रीफली मैं आपको उस मेन्यू में लेके चलूँगा कि जहाँ से आप ईमेल भी कर सकते हैं कस्टमर्स को, आप कूपन्स भी भेज सकते हैं, आप SEO की पावर को भी यूज़ कर सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि आपको अभी तक ऑर्डर्स कौन कौन से रिसीव हुए हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ऑप्शंस कैसे एक्सेस करनी है। इन ऑप्शंस को एक्सेस करने का सिंपल तरीका तो यही है कि आप प्रोडक्ट पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद मैनेज प्रोडक्ट्स के बटन पर क्लिक करें। जब आप मैनेज प्रोडक्ट्स के बटन पर क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू बैक टू दी मेन डैशबोर्ड के जहाँ से आप अभी प्रोडक्ट को ऐड कर रहे थे। लेकिन हमें ये वाला पेज अभी नहीं चाहिए क्योंकि ये हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं और आप इसको जानते हैं कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऑप्शंस कैसे यूज़ करनी है। आई विल क्लिक ऑन दिस मेन मेन्यू बटन कि जो मुझे मेन मेरी वेबसाइट के ऑनलाइन स्टोर के मेन्यू में ले जाएगा, जो बेसिकली बहुत ही पावरफुल पेज है। अब यहाँ अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हमने सिर्फ अभी स्टोर प्रोडक्ट्स की जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर किया है। इसके अलावा जब आप स्टोर ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करते हैं, अब ये वो पेज है कि जिधर आपको तमाम ऑर्डर्स जो रिसीव हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ रिसीव हो रही होगी। आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी तक बिके हैं, कितने प्राइस के ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, कस्टमर्स के एड्रेसेस क्या हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर पेज पे रिसीव हो रही होगी। इसके अलावा ब्लॉग को यहाँ ऐड कर सकते हैं इधर, दिस इज़ अ न्यू ऑप्शन जो विक्स ने दी है। अगर आपका फैशन रिलेटेड पेज है तो यू कैन एक्चुअली ऐड ए ब्लॉग ऑन योर वेबसाइट। कॉन्टैक्ट एंड CRM की जो ऑप्शन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पर लोग आते हैं, विजिट करते हैं, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर शॉपिंग करते हैं, तो यू कैन ऐड दी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंटरफेस, कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हैं, इनवॉइसेस भेज सकते हैं कस्टमर्स को। ये तमाम चीज़ें वन क्लिक के ऊपर विक्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनवॉइसेस के ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो यहाँ आप देखें कि आप बड़े आराम से और ईजिली आप नई इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं विच यू कैन एक्चुअली सेंड इट टू द कस्टमर। इसके बाद जो है वो मार्केटिंग टूल्स है जो मेरी फेवरेट ऑप्शंस है। यहाँ आप स्टोर कूपन्स जो है वो कस्टमर्स को भेज सकते हैं थ्रू ईमेल। आप नया कूपन बनाकर, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपसे प्रोडक्ट खरीदी उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, आपने उसको पैसे रिफंड करने हैं, तो रादर देन सेंडिंग बैक द मनी यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ न्यू कूपन। उसको आप नंबर दे सकते हैं कि भाई आपने मुझसे 500 रुपए की चीज़ खरीदी थी, तो ये कूपन ले लें और इसके नंबर को जब भी आप शॉपिंग करेंगे तो उस कूपन नंबर को लिखेंगे तो 500 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गेट फाउंड ऑन गूगल की एक ऑप्शन है जो बेसिकली SEO के डायरेक्टली रिलेटेड है। कुछ चंद पैसे चार्ज करता है जो विक्स है आपसे और SEO विज के थ्रू आपका ऑटोमेटिकली सारे का सारा SEO करके आपकी जो रैंकिंग है वो बेसिकली बेहतर बना देता है ताकि ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करें। ईमेल मार्केटिंग की ऑप्शन है, वो तमाम ईमेल एड्रेस जो यूज़र्स यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग शॉपिंग, उसको यूज़ करने के बाद आप ईमेल मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं और लोगों को ईमेल भेज सकते हैं जो अक्सर ब्रांड्स की तरफ से आपको रिसीव भी होती होंगी। अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल प्रोसेस है जो आप अपने तौर पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑटोमेटेड ईमेल भी है कि जिसके अंदर आप ऑटोमेटिक ईमेल्स कर सकते हैं, कोई इवेंट आ रहे हैं तो आपने ऑटोमेशन के ऊपर ईमेल्स लगा दी और कस्टमर्स को भी ईमेल जाएंगी। और फिर उसके बाद मार्केटिंग इंटीग्रेशन है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करता है और ज़रा एडवांस लेवल के ऊपर जाकर गूगल एनालिटिक्स या एडवर्ड्स या फेसबुक, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इंटीग्रेट कर देता है। तो दोस्तों ये तो थी ऑनलाइन स्टोर की वो तमाम ऑप्शंस के जो विक्स के ऑनलाइन स्टोर को बड़ा पावरफुल बनाती हैं। अब इन ऑप्शंस को अपने तौर के ऊपर आप देखिए, इसको प्ले अराउंड करें, इनवॉइसेस कैसे बनती हैं, ईमेल्स कैसे जनरेट होती हैं, ऑर्डर्स कैसे जनरेट होते हैं। और जब आप इन तमाम चीज़ों का आपको पता लग जाएगा, व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद इट, दैट्स व्हेन यू विल एक्चुअली स्टार्ट अपग्रेडिंग इट एंड यू विल स्टार्ट बाइंग देयर सर्विसेज के जो $8 या $16 पर मंथ जितने की भी वो ऑफर कर रहे हैं। तो विक्स ऑनलाइन स्टोर इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके से यूज़ होता है और दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो विक्स के ऑनलाइन स्टोर को यूज़ कर रही हैं।